जम्मू कश्मीर के जम्मू रीजन में बासमती चावल की खेती करने वाले किसान आने वाले बजट से उम्मीद बांधे हैं। बासमती चावल इस इलाके में बड़े पैमाने पर पैदा होते हैं और ज्यादातर किसानों की रोजी रोटी इसकी खेती से जुड़ी है। किसान नई एनडीए सरकार से अपनी फसल के लिए वाजिब एमएसपी की मांग कर रहे हैं। हालांकि धान की फसल एमएसपी में आती है, लेकिन बड़े पैमाने पर निर्यात किए जाने वाले बासमती चावल इसमें नहीं आते। देखो, एनडीए सरकार आ रही है और बजट भी पेश होगा, लेकिन किसान ने तो यही है भी जो हमारी फसल है वो एमएसपी पे आनी चाहिए। तो हम तो यही उम्मीद रखते हैं भी आने वाली सरकार है जो बजट पेश के अंदर ये डालेगी, तो बाकी जो हमारे इंडिया के किसान हैं इनको कुछ ना कुछ फायदा होगा। एक किसान ही क्या, हर आदमी को बजट के ऊपर बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। स्पेशली किसान तो बेचारा उसी पे डिपेंड है। अभी देख रहे हैं कि बजट एनडीए सरकार क्या करती है, क्योंकि यहाँ पे सारा मेन मुद्दा है किसानों के लिए एमएसपी का है। अगर एमएसपी किसान को अच्छी मिल जाती है, गवर्नमेंट दे देती है, तो उसका भी बेचारे का कुछ बन जाएगा। अदरवाइज जो है वही, जब जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ कि यहाँ पे मजबूर हो जाता है किसान की जो है सस्ते भाव में देने के लिए। हम एनडीए सरकार से यही उम्मीदें करते हैं कि हमारे बजट को, जो हमारे किसानों को, आल किसानों को जो एमएसपी का रेट मिल सके, जिससे हमें थोड़ा सा फायदा हो सके। जैसे कि हमारे लोकल हैं जहाँ आरएसपुरा के, इधर कोई मंडी नहीं है, मंडी की कोई सुविधा नहीं है। जो हम चाहते हैं कि एक मंडी या एक दो मंडी की सुविधा हो। कुछ किसानों की मांग है कि सरकार खेती के लिए कुछ रियायत दे, जिससे उन्हें रोजी रोटी चलाने में आसानी होगी। आज आप देख रहे हैं कि महंगाई का दर कैसे बढ़ गया है। जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि में दो दिए जाते हैं पैसे, 2000 रुपए की किस्त आती है, उसको भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए। कि छोटे किसान की बड़ी मजबूरियां हैं, उसको देखते हुए हमें ये चाहिए कि जो हमारा 3 लाख रुपए तक का इन्होंने किया हुआ है किसान क्रेडिट कार्ड, उसकी भी दर बढ़ानी चाहिए। नंबर 3, जो हमारा बासमती है जम्मू की एक प्राइम क्रॉप है, उसको प्रमोट करने के लिए एक बासमती मिशन लागू करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में चावल की कुल पैदावार का 21% हिस्सा जम्मू इलाके में ही होता है। यहाँ 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर चावल की खेती होती है।